student. Good morning, student. Now we will start our grammar book. Student, first of all, I inform you that we have already completed till chapter 3 in our grammar book. Okay, student, हमने chapter 3 तक तो पहले ही complete कर लिया है. Now we will start chapter 4, name of persons. अब student, हम chapter 4 से start कर रहे हैं आज से. You live with people. People in your family, school, in your neighborhood are also called persons. They also have name. Student, first of all, persons किसे कहते हैं? तो person यानी कि people, कि जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, हमारी फैमिली में रहते हैं, हमारे स्कूल के आसपास रहते हैं, हमारे घर के आसपास रहते हैं, वो जितने भी पर्सन हैं उसको कहते हैं, जितने भी पीपल हैं उनको कहते हैं पर्सन. और उन हर एक का कुछ ना कुछ नेम होता है. फर्स्ट एक्सरसाइज ए है, कैन यू नेम डिफरेंट पर्सन और पीपल अराउंड यू. आप अपने आसपास के पीपल के नेम दे सकते हो. लेट्स फाइंड आउट सम पर्सन्स यू नो. तो आपको फाइंड करना है कि आपके आजू बाजू जो भी पर्सन रहते हैं, आपके फैमिली में रहते हैं, उनके नेम, उनके क्या कहते हैं, जैसे कि पापा को फादर, मदर, सिस्टर, ये सारे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, योर सिस्टर, ब्रदर, मदर, ग्रैंडमा आर पर्सन्स. ये जो है ना, हमारे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, इसको तो कहते हैं पर्सन. अब डेफिनेशन चल गई पता कि पर्सन किसे कहते हैं. बॉय, गर्ल, मैन एंड वुमन आर आल्सो नेम ऑफ पर्सन. जो नेम होते हैं ना, कि बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, इसको भी नेम ऑफ पर्सन कहते हैं. फ्रॉम द वर्ड्स इन द बुक्स चूज एंड राइट द नेम ऑफ सम मोर पर्सन्स यू नो. तो यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नेम दिए हुए हैं, वो ले लेने हैं आपको, और फिर आपको अदर भी नेम आप लिख सकते हो. पर्सन्स के नेम होने चाहिए वो. तो मैंने लिखा है यहाँ पे अंकल, ग्रैंडमा, ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर. ओके स्टूडेंट, फिर एक्सरसाइज बी है, मैच द पिक्चर्स ऑफ सम पर्सन्स गिवन बिलो विद देयर नेम्स. यहाँ पे कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं, वो पर्सन के नेम हमें जो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है बीच में उसमें लिखे हुए हैं, उससे मैच करने हैं. मैंने ऑलरेडी आपके लिए मैच करके रख दिए हैं, जैसे कि पायलट का पिक्चर जो यहाँ पे पायलट है उसमें मैच किया है, डॉक्टर, फिर कारपेंटर, देन क्लाउन एंड किंग. इस तरह आपको भी आपकी जो ग्रामर की बुक है पेज नंबर 11, वहाँ पे आपको ये फिलअप कर लेना है. ओके, देन टर्न द पेज. ऑन पेज नंबर 12, एक्सरसाइज सी, अंडरलाइन द नेम ऑफ पर्सन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें नेम ऑफ पर्सन छुपे हुए हैं, उसको आपको फाइंड करके अंडरलाइन कर लेनी है. अब आपको पर्सन की डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि पर्सन किसे कहते हैं, तो मम्मी, डैडी, पापा, फिर ब्रदर, सिस्टर, गर्ल, बॉय, वुमन, ये सारे पर्सन्स नेम है. तो चलो फर्स्ट सेंटेंस है, माय ग्रैंडमा टेल्स अ स्टोरी. तो ग्रैंडमा क्या हुआ पर्सन, तो उसके नीचे अंडरलाइन करो. फिर माय डैडी इज अ डॉक्टर, तो डैडी और डॉक्टर दोनों पर्सन हुए, पर्सन्स नेम हुए, तो उसके नीचे अंडरलाइन करो. फिर माय मम्मी लव्स मी, तो मम्मी के नीचे अंडरलाइन करो. फिर माय टीचर इज नाइस, तो टीचर के नीचे अंडरलाइन करो. देन द गर्ल ईट्स एन एप्पल, सो आगे मैंने बताया ना कि गर्ल भी पर्सन्स नेम है, तो उसके नीचे भी आपको अंडरलाइन कर लेनी है. ओके स्टूडेंट, फिर एक्सरसाइज डी, हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो. चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द बुक्स एंड राइट बिलो पिक्चर्स. आपको जो यहाँ पे एक बुक्स दिया हुआ है उसमें उसके नेम दिए हुए हैं, बेकर, टेलर, ड्राइवर, टीचर, डॉक्टर, मैजिशियन. फिर नीचे कुछ पिक्चर दिए हुए हैं और उसकी हिंट दी हुई है, जैसे कि फर्स्ट है स्टिच क्लोथ्स, तो हमारे क्लोथ कौन स्टिच करता है, तो उसके नीचे लिखो टेलर. आई ड्राइव योर स्कूल बस,
स्कूल बस चलाते उसको क्या कहते हैं? ड्राइवर। यस। फिर आई गिव मेडिसिंस, मेडिसिन कौन देते हैं हमें? यस, डॉक्टर। तो वहाँ पे लिखो नीचे डॉक्टर। फिर फोर्थ है आई मेक ब्रेड एंड केक्स, ब्रेड और केक कौन बनाते हैं? बेकर। यस, तो उसके बिलो लिखो बेकर। फिर फिफ्थ वन है आई सो मैजिक ट्रिक्स, मैजिक ट्रिक्स मीन्स के कोई भी जादुई चीज दिखाता हूँ, तो वो जादुई चीज कौन दिखाते हैं? यस, मैजिशियन, जिसे बोलते हैं जादूगर। सिक्स आई टीच इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, चलो बताओ कौन? यस, वेरी गुड टीचर, वेरी इजी। ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न द पेज, ये हुआ हमारा चैप्टर फोर। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको अच्छे से रीड करोगे तो इजीली पता चल जाएगा, और आपको वैसे फिलअप भी कर लेना है। देन ऑन पेज नंबर 13 चैप्टर 5 नेम ऑफ प्लेसेस, फोर्थ में हमने क्या पढ़ा? नेम ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे पढ़ेंगे नेम ऑफ प्लेसेस। तो स्टूडेंट, प्लेसेस मीन्स जगह, जैसे कि ऑल प्लेसेस हैव नेम्स, कोई भी ना कोई जगह है उसका कुछ ना कुछ नेम है, जैसे कि स्कूल, लाइब्रेरी, किचन, गार्डन। ओके, अब यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी हुई है, उसको हमें फिलअप करना है। क्या करना है? लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट नेम ऑफ प्लेसेस विद इन द ब्रैकेट्स, देन राइट देम इन द ब्लैंक्स। पहले हमें उस पे उसके राइट आंसर पे सर्कल करना है, फिर वो ब्रैकेट जो ब्लैंक्स है उसमें लिखना भी है। तो फर्स्ट ब्लैंक से द बॉय प्लेस इन द, यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा है ना कि एक बॉय प्ले कर रहा है, वो कहाँ पे प्ले कर रहा है? तो गार्डन। यस, तो हम लिखेंगे गार्डन और यहाँ पे सर्कल भी बनाएंगे। ओके, फिर है सेकंड नंबर पे आई वेंट टू द, ये कहाँ पे खड़ी है? जू। यस, स्कूल तो नहीं है ना, एनिमल से तो जू ही है ना। यस, तो लिखेंगे जू। देन थर्ड नंबर पे आई स्टडी इन, तो स्टडी कहाँ पे करते हैं? यस, स्कूल। तो स्कूल पे सर्कल बनाओ और वहाँ पे लिखो स्कूल। फिर फोर्थ नंबर पे है चिल्ड्रन प्ले ऑन द बीच, बीच किसे बोलते हैं? जो सी होता है ना, यस, उस पर जो आगे रेत वाली जगह होती है उसको बोलते हैं बीच। देखो यहाँ पे पानी दिख रहा है तो इससे पता चलता है ना कि ये बीच है, तो हम लिखेंगे बीच। ओके, फिर एक्सरसाइज बी, सर्कल द नेम ऑफ प्लेस इन द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं उस पर आपको क्या करना है? जो प्लेस के नेम है उस पर सर्कल करना है। फर्स्ट है आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो प्लेस क्या हुआ? स्कूल, तो वहाँ पे सर्कल बना दो। फिर सेकंड नंबर पे है कि द पार्क हैज मैनी स्विंग्स, स्विंग्स मीन्स वो झूले होते हैं ना, यस वो, तो पार्क पे सर्कल बनाओ क्योंकि वो नेम ऑफ प्लेस है। फिर थर्ड है आई स्लीप इन माय बेडरूम, स्लीप यानी सोना, यस, तो मैं सो जाती हूँ कहाँ पे? माय बेडरूम, तो बेडरूम प्लेस हुआ ना, तो बेडरूम पे सर्कल बनाओ। फिर फोर्थ वन है मदर कुक्स इन द किचन, मम्मा कुक्स, कुक यानी रसोई, रसोई कहाँ पे बनाती है? किचन, तो किचन क्या हुआ? प्लेस हुआ, तो उसमें सर्कल बना दो। ओके, तो स्कूल, पार्क, बेडरूम और लास्ट में फोर्थ सेंटेंस में हमने किया किचन पे सर्कल, इस तरह ये नेम ऑफ प्लेस है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।